नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो 5 सितंबर को हुए धरने का रिजल्ट आप सभी के सामने लगातार न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में चहलकदमी शुरू हो गई है। और जैसे कल भी मैंने बताया था कि आयोग ने कहा है कि कैलेंडर जारी करेगा कि कब आपके कौन सी विज्ञप्ति आएगी, उसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि बच्चों ने भी आयोग को 1 सप्ताह का समय दिया है और आयोग ने भी अपने कमेटी को 1 सप्ताह का समय दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा तो फिर से हम इसी प्रकार से धरना करेंगे आयोग के बाहर। तो उसी का रिजल्ट आप देख रहे हो कि साफ साफ सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं कुछ संशय लगने लगा है कि कौन सी भर्ती पहले आएगी। तो सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के दोनों आने की संभावना है, सो पहले कौन आएगी, ये काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या यूपी टेट कई सालों से नहीं हुआ है और सुपर टेट ला देंगे तो विवाद हो जाएगा, एक विवाद का कारण बन जाएगा कि अगर सुपर टेट आ जाता और यूपी टेट नहीं आता है तो फिर से उसमें भी कोर्ट केस होने लगेगा, वो भी एक तरह से लंबा जाएगा। तो उस गवर्नमेंट का ये चांसेस बन रहा है कि पहले यूपी टेट आएगा फिर आपके सुपर टेट आएगा। तो यहां देखिए आयोग सबसे बड़े न्यूज पेपर का ये बोला जा रहा है इसमें कि आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। ठीक है, विवाद में ना फंसे इसलिए सतर्कता बरत रहा है आयोग, कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी। मेनली विवाद से कहीं ना कहीं दिक्कत है, विवाद को देखते हुए कि विवाद आगे ना हो। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी जिसे बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद लंबित और नई भर्तियों का खाका तैयार होने के साथ चयन प्रक्रिया में तेजी आने की बात कही जा रही है। प्रोफेसर कृति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया संघ वार्ता में कहा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है और उसे पूरा करने उनकी प्राथमिकता है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, इसके लिए 1,14,000 आवेदन पहुंचे हैं। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी में 4,163 के लिए 13,19,000 के लमसम आपके एप्लीकेशन आए हैं। इसके अलावा प्राचार्य समेत कई अन्य भर्तियों सभी लंबित दो शासन की ओर से नई भर्तियों के लिए अधियाचन भेजे गए हैं। अब सभी तरह के शिक्षकों की भर्तियां नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। ये भर्तियां किसी तरह के विवाद में ना फंसने पाए इसके लिए आयोग की ओर से पहले ही सावधानी बरतनी जा रही है। इस बाबत सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए नए अध्यक्ष से कार्यभार संभालने की अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। तो 10 दिन के अंदर जो आपका बैठक होगा उसमें सब कुछ खाका तैयार हो जाएगा, कैलेंडर भी आपका बनेगा, उसमें देखते हैं कि क्या शामिल होता है कि नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे आपको भर्तियां और एग्जाम डेट जो आपके पुराने पड़े हुए हैं वो देखने को मिलेंगे। शिक्षक भर्ती से लेकर यूपी टीईटी तक आएगी तेजी। तो ये आप पर यूपी टीईटी की जो बात मैं बोल रहा था कि यूपी टीईटी भी होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बैठक में प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कई विषयों पर कमेटी गठित कर स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। शुक्रवार को पत्रकारों से वही बताया, सेम चीजें यहां पर भी आया है। मतलब कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो टीजीटी आने की सबसे पहले संभावना है। मतलब जो टीजीटी के जो डेट है, सबसे पहले तो आपके टीजीटी और पीजीटी के डेट आएंगे, इनका एग्जाम डेट आएगा, सबसे पहला संभावना कैलेंडर में आपका रहेगा। और यूपी टेट को आने की संभावना है, यूपी टेट पहले होगा फिर सुपर टेट आएगा आपका, जो सुपर टेट है अभी जो वो आपका 27,713 वाला पद है उस पे भी गवर्नमेंट आपके पूरी की पूरी 15-20 दिन में सब कुछ क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो भी होना है। तो उससे पहले, क्योंकि सुपर टेट अब चांसेस कम है विवाद में ना फंसे भर्ती, इस वजह से पहले यूपी टेट कराया जाएगा, उसके बाद ही सुपर टेट कराया जाएगा। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट आपके फाइनल हो जाएंगे। फाइनल होने के बाद, क्योंकि अभी आपके एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हुई है तो पहले उनकी होगी, उसके बाद से आपके एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। यहां पर भी बोला है शिक्षक भर्ती से टीईटी तक परिणय जल्द होगा। ठीक है, और बच्चों ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर नहीं आता है 1 सप्ताह के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव भर्ती को लेकर, ठीक है,
तो हम एक फिर से धरना करेंगे जब तक हमें पूरे की पूरी कैलेंडर में वो भर्ती दिख नहीं जाती है कि हाँ, क्योंकि मेन मोटो जो था वो आपके प्राइमरी टीचर के लिए था, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए 97,000 पदों की भर्ती के लिए यहां पर ये धरना किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तो 27,000 आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सालों से भर्ती नहीं आई है 19 के बाद, तो आखिर वो पद भी भरे जाएं जो आपके खाली हैं। कभी आपने बताया था कि 50,000 के एक हल्फनामा आया था कि 50,000 उसमें प्राइमरी के टीचर हैं, लेकिन उसके बाद से अनुपात और समानुपात बराबर कर दिए हमारे मंत्री जी ने, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर बात हुई है। तो लेकिन यहां पर अध्यक्ष महोदय ने ये बोला है, आश्वासन दिया है कि सब कुछ होगा, भर्तियां होंगी, प्राइमरी में भी होंगी, जूनियर में भी होंगी, और आपके योगी जी का भाषण था ही कि 60,000 भर्ती तो आपके टीचिंग लाइन में आनी ही आनी है। अब उनका जब आदेश है तो ये तो आएगा ही आएगा 60,000। तो अब इसमें आपके टीजीटी पीजीटी भी रहेगा, जूनियर भी रहेगा और प्राइमरी भी रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो पद आपके होते हैं आप सभी जानते हो टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी के ही होते हैं, बाकी आपके जो व्यवसायिक और भी जो बोला गया था इंजीनियरिंग से रिलेटेड उन सबके भी रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 5-6 हजार में सब कुछ निपट जाता है। तो अब सभी का इंतजार है कि कैलेंडर कब जारी हो रहा है। जैसे 10 दिन का वक्त मांगा गया है तो ओवरऑल कह सकते हैं 10 से 15 दिन में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कब क्या होने वाला है। लेकिन ये मान के चलिए कि सबसे पहले अगर हम फ्रेश की बात करें, फ्रेश चीजों में वो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। यूपी टेट 2024 का नोटिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलेगा जल्द से जल्द, आपको 15 से 20 दिनों के अंदर हो सकता है कि इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो सभी लोग, जो लोग भी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं एकदम जुड़ जाइए, जो परीक्षा प्लस के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं आप कमेंट में बता दीजिए क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, वो भी मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। फिर सुपर टेट में क्या होगा, क्योंकि सुपर टेट में हो सकता है कि कुछ सिलेबस में चेंजेस आए, तो वो अभी बाद में देखा जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक संभावित चेंजेस की बात की गई है अध्यक्ष के द्वारा कि हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर रिलेटेड चीजें टॉपिक यहां पर रखेंगे। तो बाकी जैसे ही कोई भी नया भी अपडेट आता है मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।